अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेसन है कि मिक्स फ्रैक्शन को अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बस एक बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले आपने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होती है, यानी 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और जो इसका जवाब आता है वो फिर 3 में ऐड हो जाता है, यानी 4 2 8। 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और इसमें जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर है वो ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और दोनों के नीचे 4 आ जाएगा, यानी कि दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन उसी तरह आएगा और होल नंबर उसी तरह आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 11/4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो जो 9 होता है ना, या तो आप डायरेक्ट उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन अगर शुरू में आपको मुश्किल हो रही है तो 9 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ना न्यूमरेटर में, जो दोनों फ्रैक्शन में नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यानी 11 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 99/4, ठीक है। तो 99 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो क्या 4 2 8, इसको माइनस किया 1 नीचे आया, 9 को नीचे उतारा तो 19 आ गया, 4 4 16 हो गया और इसको माइनस किया तो 3 आ गया। ये जो चीज़ होती है ना हमारी, इसको बोलते हैं जो नीचे आती है कभी भी डिवाइड करके कुछ बचता है जो, उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोशेंट और ये होता है डिवाइज़र, ठीक है। यानी डिवाइज़र वो चीज़ जो जिससे डिवाइड हो रहा है, कोशेंट हमारा जवाब होता है और रिमाइंडर के बचा क्या। और यूजली अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इसको लिखते कैसे हैं हम जवाब में, हम पहले कोशेंट लिखते हैं, फिर कोशेंट होल नंबर के तौर पर साथ आ जाता है और रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, ये तरीका होता है इसको लिखने का। तो ये हमारे पास आ गया विच इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है 24, तो क्वेश्चन की जगह हमने लिखा 24, रिमाइंडर क्या है 3 बाय नीचे डिवाइज़र है 4। तो ये जो है हमारे पास जवाब आ गया। तो ये हमने एक मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ गया। एक और मेरे पास है, ये 25 मल्टीप्लाई बाय अ मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये 25 है और ये मल्टीप्लाई का निशान है। तो मिक्स, सबसे पहले हम क्या करते थे कि मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे, ठीक है। तो 25 हम उसी तरह लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय, इनको सॉल्व करने के लिए 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और ऊपर वाला नंबर इसमें ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 17/5, ठीक है। पिछली एग्जांपल में हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 लिखा था इसके नीचे, यहाँ पे 1 लिखा था पर नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया था और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया था। लेकिन हम एक और तरीका भी कर सकते हैं कि चूंकि ऊपर वाले नंबर को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर ऊपर और नीचे एक नंबर से डिवाइड हो रहे हो दोनों नंबर्स, तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 25 और 5 दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इनको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, 5 1s are 5 और 5 5s are 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 multiplied by 17। नीचे दोनों के 1 है, वो लिखे या ना लिखे एक ही बात है, आगे जाके हमने इनको नहीं लिखना। तो हम इनको करेंगे 5 into 17, तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 7 35 3 5 85। तो ये आपका आंसर है, आपने एक होल नंबर से मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया तो ऐसे भी सॉल्व होता है, ठीक है। ये था हमारा आज के लेसन, मैं मिलूंगी ऐसे नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।